हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स में एक और टॉपिक देखेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लॉज ऑफ मोशन खत्म किए हैं, ठीक है। तो वही लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है आज, और एक स्पेशल टॉपिक मान के चलेंगे। आज का टॉपिक होगा अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन एलिवेटर। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट, जो लिफ्ट हम यूज करते हैं, ओके उसको हम एलिवेटर और लिफ्ट जो जिसको बोल रहे हैं, उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका अपेरेंट वेट देखेंगे। हमें तो वेट पता है, वेट तो जो होता है हमें पता है। वेट क्या होता है कि हम वेट इक्वल टू एम इंटू जी कहते हैं, ये होता है वेट, ये होता है ना। तो वो तो वेट होता है, पर अपेरेंट वेट क्या होता है, ओके तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर है तो अंडर सम कंडीशंस उसका जो वेट होता है वो चेंज मतलब क्या, ये m into g चेंज नहीं होता। हम लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस किए थे, वेट मेजरमेंट के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जो यूज करते हैं वेट मशीन, वो कौन सा फोर्स दिखाता है अपने रीडिंग में, वो दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन, ओके। वो मशीन ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहा है, दे रहा है, उसको वो मेजर करके दिखाता है, m इंटू जी को नहीं दिखाता, ओके। रेस्ट में होता है तो m इंटू जी के साथ इक्वल हो जाता है, ये हम डिस्कस किए थे, ओके। तो उसी चीज को देखेंगे कि जब एलिवेटर चल रहा है तो वो जो मशीन होगा वो अलग अलग वैल्यू भी दिखाता है। नॉर्मली यहां पे अगर मेजरमेंट करेंगे वेट मशीन में किसी ऑब्जेक्ट का, तो जो दिखाएगा एलिवेटर के केस में कुछ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यू भी दिखाता है, उसको हम अपेरेंट वेट बोल रहे हैं। तो अलग अलग केसेस करके देखेंगे कि एलिवेटर में कैसे वेट अलग अलग दिखाता है वो मशीन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि एक एलिवेटर होगा, सपोज दिस इज द एलिवेटर, ये एलिवेटर है, और एलिवेटर के अंदर एक वेट मेजरमेंट वाला मशीन है, सपोज एक वेट मेजरमेंट वाला मशीन है, और उसके अंदर उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। अगर ये लिफ्ट ना होता, ऐसे ही कहीं पे मेजरमेंट करते, तो जो उसका एक्चुअल वेट होता, एक्चुअल वेट बॉडी का जो वो मशीन दिखाता, वो m इंटू जी दिखाता, उतना ही दिखाता ना, m इंटू जी, अगर नीचे कहीं पे मेजरमेंट करते, एलिवेटर नहीं होता तो, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे कि डिफरेंट केसेस लेंगे, ओके। तो पहला वाला केस कुछ ऐसे लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट केस लेंगे, तो फर्स्ट केस में लेंगे एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ओके। क्या एक्सेलरेटेड अपवर्ड, अगर ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है पूरा लिफ्ट, ठीक है, तो ये मशीन क्या दिखाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मशीन दिखाता है वो जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है बॉडी में, उसको दिखाता है रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये पहला केस है एक्सेलरेटेड अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रहा है। तो यहां पे स्टडी करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पढ़े थे फ्री बॉडी डायग्राम किसका, ये जो ऑब्जेक्ट m वाला है उसके ऊपर फोर्सेस देख लेते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम में, वही तो करते हैं। तो उसके ऊपर पहले तो उसका जो वेट है, ट्रू वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है m into g, डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, वही है उसका डायरेक्शन m into g का, पता है ये हमें। अच्छा, उसके ऊपर और कौन सा फोर्स, कि वो उस वेट मशीन के ऊपर है तो वो वेट मशीन उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा r, सपोज नॉर्मल रिएक्शन r अपवर्ड ही दे रहा होगा उसके ऊपर। हमें मशीन के ऊपर या लिफ्ट के ऊपर फोर्स नहीं निकालना है, हमें इस बॉडी के ऊपर फोर्स निकालना है फ्री बॉडी डायग्राम में। तो इसके ऊपर दो ही फोर्स काम कर रहा है, उसका वेट mg नीचे की तरफ, और मशीन के ऊपर वो खड़ा है तो मशीन उसको नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ दे रहा है r, वो फोर्स है एक टू फोर्स। तो दो फोर्स ही काम कर रहा है। अब यूज कर दो फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया, अब यूज कर दो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बॉडी पे नेट फोर्स कितना है,
R-mg है, R-mg क्यों? mg-r क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ग्रेटर है, इसलिए R-mg। नीचे जाता तो mg-r करते, वो आएगा केस। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ग्रेटर है, इसलिए R-mg, ये नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, ये बॉडी भी तो उतने ही एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, उसके अंदर है वो, तो उसका मास m है, एक्सेलरेशन a है, और ये सेकंड लॉ है ये, नेट फोर्स इक्वल टू m इनटू a। तो यहां पे r कितना हो गया? r हो गया mg प्लस ma। समझ में आ रहा है? ये r हो गया, और ये r है क्या? r है इसका रीडिंग। मशीन जो वेट रीडिंग दिखाएगा वो है r, वो नॉर्मल डायरेक्शन को दिखाता है ना। R equal to mg plus ma, ये जितना आना है इतना दिखाएगा वो मशीन। तो यहाँ पे उसका एक्चुअल वेट तो mg होना था, mg ही है उसका एक्चुअल वेट, पर क्योंकि अपवर्ड जब एक्सेलरेट होके जा रहा है लिफ्ट, तो हम देखे कि ये वैल्यू आ गया, मतलब अपेरेंट वेट जो है ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ठीक है, अपेरेंट वेट जो दिखाया है यहाँ पे, एक्चुअल वेट से वो ग्रेटर, इंक्रीज हो गया वेट, ऐसा मानेंगे। एक्चुअल वेट इंक्रीज नहीं होता, कहां से हो गया एम इनटू जी, पर लिफ्ट के अंदर है तो मशीन अब हमें एक अलग सा वेट दिखा रहा है, मतलब ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे वेट इंक्रीज हो गया है उसका, क्योंकि मशीन तो ऐसा दिखा रहा है, तो उसको हम ट्रू वेट नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल वेट नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम उसको अपेरेंट वेट बोल रहे हैं। तो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेटेड होके, तो वहां पे क्या होगा? इंक्रीज होगा उसका वेट, अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। पहला वाला केस क्लियर है ये। अच्छा, नेक्स्ट केस लेते हैं। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होता है, ए एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है, ओके, ये एलिवेटर लिफ्ट नीचे आ रहा है, ये दूसरा वाला केस, ठीक है, एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। तो सेम काम करना है, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करो। तो अब नीचे आ रहा है तो mg फोर्स ही ग्रेटर होगा, नीचे वाला फोर्स, तो mg माइनस r करेंगे और उसको हम ma लिखेंगे। ये नेट फोर्स mg माइनस r इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो नीचे आ रहा है इसलिए mg ग्रेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम r इक्वल टू निकालेंगे, दिस mg माइनस ma होगा, ठीक है, यहाँ से r इक्वल टू mg माइनस ma। तो फिर से वही बात, r क्या है? कि मशीन कौन सा वेट मेजरमेंट करके दिखाएगा, वो r ही दिखाएगा। तो अब क्या दिखाएगा? ट्रू वेट से और एक्चुअल वेट से कुछ कम हो गया है वेट, माइनस ma, ठीक है। तो जो अपेरेंट वेट इस केस में आता है, दैट इज लेस देन द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से अपेरेंट वेट अब कम हो गया है, ओके, ऐसा हमें दिखेगा। जो हम वेट एक्चुअली हमारा मेजरमेंट होना है, अब नीचे अगर एक्सेलरेटेड होके आ रहा है तो उसके अंदर वेट, मशीन हमें अलग सा वेट दिखाएगा, और वो वेट ट्रू वेट से लेस होगा, डिक्रीज करेगा अपेरेंट वेट, ठीक है। सेकंड केस। अच्छा, तो थर्ड केस क्या है? थर्ड केस कहता है इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो लिफ्ट रेस्ट में हो, ओके, नीचे हो या ऊपर हो या बीच में कहीं पे हो, रेस्ट में हो, अगर मूव कर भी रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए, मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, ये थर्ड केस है। इसलिए मैं एक्सेलरेशन को नहीं दिखाया हूं, अगर ये वाला केस हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो। तो वही सेम काम करो आप, चलो ऊपर जा रहा है ऐसा मान लेते हैं पहले, अगर ऊपर जा रहा है तो r को ग्रेटर मानेंगे, तो r माइनस mg विल बी ma, और a जीरो है तो ये भी जीरो, ठीक है ना, तो r इक्वल टू mg हो गया। अगर mg माइनस r भी करेंगे, नीचे जा रहा है कहेंगे, तो mg माइनस r इक्वल टू जीरो, तो r इक्वल टू mg फिर से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, वेट मशीन हमें एक्चुअल वेट ही दिखाता है, या तो एलिवेटर रेस्ट में रहना चाहिए, या मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। इन केस में क्या होता है, जो ट्रू वेट होता है, एक्चुअल वेट, वही हमें दिखाता है मशीन, ओके, कोई अलग अपेरेंट वेट यहाँ पे नहीं आता। क्लियर है थर्ड केस?
अच्छा अब देखते हैं फोर्थ लास्ट वाला केस। फोर्थ वाला केस ये है कि सपोज ये जो एलिवेटर है चलो नीचे आते आते टूट गया, ओके भगवान ना करे ऐसा कुछ हो पर ऐसा केस सपोज अगर टूट गया तो अब जो एलिवेटर होगा फ्रीली फॉल करेगा। एलिवेटर फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, टूट गया उसका जो स्ट्रिंग होगा सपोज तो नीचे की तरफ फ्रीली फॉल, तो फ्री फॉल मतलब एक्सीलरेशन क्या है पूरे एलिवेटर का, जी है। अब फ्री फॉल है मतलब एक्सीलरेशन उसका जी, स्मॉल जी, क्लियर है फ्री फॉल में। तो इस केस में आप फिर से वही काम करो, ओके तो नीचे आ रहा है तो एम जी ग्रेटर माइनस आर ठीक है इंटू इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू एक्सीलरेशन क्या है जी है, एक्सीलरेशन यहाँ पे जी है, क्लियर है। तो यहां से देखो सो आर विल बी एम जी माइनस एम जी तो जीरो, ये क्या हो गया, ये होता है अगर फ्रीली फॉल कर रहा होगा एलिवेटर तो हम अगर मशीन को देखेंगे क्या वेट वो मेजर करके दिखा रहा है तो वो कोई वेट नहीं दिखाता, ओके अपेरेंट वेट यहाँ पे जीरो, कोई वेट वो दिखाता ही नहीं है ठीक है। इस केस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कंडीशन भी बोल सकते हैं, नो वेट, ट्रू वेट होता है उसका बॉडी का क्यों नहीं होगा एम इंटू जी, पर क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि जो मशीन दिखाए हुए हमारा वेट है ठीक है, ये केस हो गया तो जीरो दिखाते कुछ नहीं दिखाता रेडी ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं एलिवेटर में बॉडी के अपेरेंट वेट के लिए, वो डिफरेंट केसेस क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज हुआ, सेकेंड लॉ भी यूज हुआ, थर्ड लॉ भी यूज हुआ, तो लॉज ऑफ मोशन का ये एक स्पेशल केस हम यहाँ स्टडी किए हैं ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे, ओके थैंक यू।